कदे कहीं के, मैं हूँ व्लैड, तू है ना रोमन का कजन। अरे तू है ना व्लैड, तेरे को तो शुरू से देख के मुझे नफरत छुड़ती थी। अरे वो बात तो छोड़ दे मेरे भाई, क्योंकि तेरे कजन ने मेरे से बहुत पैसा लिया है। अब सारा हिसाब का चुकता तुझे चुकाना होगा। मेरा काम कर कर मेरी जगह पर आ जल्दी से। बाद में मिलेंगे महल। तू हमेशा सही कहते का बच्चा है मिकी। अरे ध्यान से रहियो जहां भी जा रहा यार। अबे ओए, अरे मैं तुझे बता रहा था। अबे बढ़ जाओ सब। तो इवन मैं तुझे बाद में मिलता हूँ। फिर आ गया ड्रावना सा रोमन का कजन। तुम्हारा वाला नाम क्या था? बड़े मुंह वाला। अरे बहुत बढ़िया, बैठ जा यार। कजन निको। हाँ तेरा नाम निको है। तू कोई बड़े मुंह वाला नहीं है, तू बहुत फनी। कोशिश की है तो फिर इस बार मैं चाहता हूँ तू मेरे लिए थोड़ा सा एक गंदगी वाला काम कर। भला ये क्या बात है? अरे मिक्की से पूछ, मुझे नहीं समझ आया। जो लोग मुझसे पंगा लेते हैं वो मिलकर मारे जाएंगे। अच्छा ठीक है फाइन, काम जो भी हो यार। एक बुढ़े बंदे ने मेरे महीनों से पैसे नहीं दिए, और मैं वैसा बंदा नहीं हूँ जो मेरे पैसे नहीं चुकाता, मैं उसको नहीं छोड़ता। वह बुढ़े की दुकान है चाइना टाउन की तरफ, कैमडन एवेन्यू के पास। तो ये फिर पकड़, उसको मारियो मत, पर सबक जरूर सिखाइयो। किसी को सबक सिखाने के लिए मुझे बैत की जरूरत नहीं। तो दोस्तों फिर चलते हैं हम शॉप की तरफ। गाड़ी के अंदर बैठता हूँ जल्दी से, और गाड़ी को भगाकर जाते शॉप की तरफ। मैं जल्दी से फुल रफ्तार से गाड़ी को भगा रहा हूँ दोस्तों, और जल्दी से हमें पहुँचना है वहाँ पर। इस मिशन को अंजाम देना पड़ेगा दोस्तों। मिशन करने के लिए फुल रफ्तार से गाड़ी भगानी होगी, GPRS को फॉलो कर कर। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ इस गाड़ी को मस्त भगाने के लिए। अब हमें जाना है चाइना टाउन की तरफ। इस शहर के अंदर मैं नया आया हूँ दोस्तों, बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ रही है। कभी रोमन की झूठे बातें, कभी लोन सार्क मेरे पीछे पड़ जाते हैं दोस्तों। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को इस गंदगी से बाहर रखने की कोशिश करूँ, लेकिन मेरे बुरे हालात और मेरे बुरे वक्त ही मेरे को ये काम करवा देते हैं दोस्तों। चलो हम जाते हैं शॉप की तरफ, चाइना टाउन की तरफ जाना है मुझे। बहुत मुश्किल मिशन था दोस्तों, मुझे पता मैं कैसे कर रहा हूँ। ये व्लैद की बातें माननी पड़ रही हैं मुझे, मेरे कज़न की वजह से दोस्तों। बड़ा मुश्किल से मिशन करता हूँ दोस्तों। तो हम पहुँच चुके हैं येलो कलर के मार्ग की तरफ मेरे यारों, बस पहुँच चुके हैं यहाँ पर। सामने की तरफ रोक लेता हूँ गाड़ी। हे मैन, मेरे को अंदर आने दे। व्लैड के प्रोटेक्शन के पैसे दे जल्दी से। अरे व्लैड के पैसे प्रोटेक्शन वाले, भला वो मेरा क्या बिगाड़ देगा? किस चीज के पैसे दूं फिर मैं? तुझे लगता ना तेरा शीशा ये दुकान को बचा लेगा, लेकिन निको पहले किसी को देख लेगा दुनिया में। बल्कि व्लैड को मेरे को पैसे देने चाहिए तेरे जैसे कचरे को भगाने के लिए। चल यहाँ से निकल जा। तो फिर इसकी दुकान का शीशा तोड़ने के लिए मैं गोली कायम लेता हूँ यहाँ पर, और ये चलाता हूँ गोली। अरे बाप रे, ये तो बुलेट प्रूफ ग्लास है। मुझे इसको तोड़ने के लिए ग्रीन कलर के मार्क की तरफ जाना होगा। उस ग्रीन कलर के मार्क की तरफ कुछ ना कुछ सामान होगा जिसका यूज़ करके मैं ग्लास को तोड़ दूंगा। तो इस शीशे को तोड़ने के लिए मुझे सामने उठाना होगा कुछ। ये क्या है? ये तो ईंट लग रही है। इस पत्थर को घेर कर मुझे जल्दी से ग्लास को तोड़ना होगा दोस्तों। इस शीशे को तोड़ कर मेरा सारा मिशन पास हो जाएगा। ये मैं सामने एम लेता हूँ शीशे की तरफ, या आगे जाता हूँ मैं। अरे मैं गलत दुकान की तरफ आगे लगता है, पीछे की तरफ जाना था मुझे। ये पूरा एम लेके मुझे इसका शीशा तोड़ना होगा दोस्तों। ये लिया मैंने पूरा एम, और ये मारता हूँ आगे की तरफ, और ये मारा मैंने। अरे ये तोता नहीं, मुझे दोबारा कोशिश करनी होगी लगता। मैं दोबारा एम लेने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये दोबारा मारता हूँ। ये मैंने पतका। अरे बाप रे, ये लगा नहीं। दोबारा उठा के इसको पटकना होगा दोस्तों मुझे। ये मैंने उठा लिया इसको, और जल्दी से इसको शीशे में मारता हूँ। अरे यार दोबारा उठाना पड़ेगा। ये दोबारा मैं पटकता हूँ। अरे बाप रे, बड़ा मुश्किल हो रहा है दोस्तों। दोबारा कोशिश करता हूँ। ये मैंने पटका। अरे बाप रे, फिर से नहीं टूटा। दोबारा कोशिश करनी होगी दोस्तों। रुको मैं अपनी तरफ से पूरी। अरे टूट गया। तो मैंने इससे पैसे वापस ले लिए हैं, अब मुझे जाना व्लैद की तरफ। तो गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ जल्दी से, और पीछे जाता हूँ GPS को फॉलो करते हुए
और व्लैत की तरफ मुझे जाना है जल्दी से। तो मैंने गाड़ी को पीछे मोड़ा, अब जाना है मुझे व्लैत की तरफ। तो फुल रफ्तार से भगाएंगे गाड़ी दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा है मिशन करने में। अब बहुत औसम मिशन चल रहा है, रात का टाइम है दोस्तों, थोड़ा कम दिखता है रात के टाइम पे, पर जो भी दिख रहा बढ़िया दिख रहा दोस्तों। तो हम जाते हैं जल्दी से व्लैत की तरफ, फिर वहाँ पर जाकर उसको पैसे पकड़ा देंगे। और ड्रामले से काम क्या पूरा हुआ? व्लैड को पैसे देगा क्या? उसने पैसा दे दिया, उसकी पूरी दुकान तोड़नी पड़ी मुझे, फिर उसके बाद उसने बहुत पैसा दिया मुझे। अरे बढ़िया किया तूने उसके साथ, बहुत बढ़िया किया। उस गधे ने मुझे बताकर गलती करी कि वो बहुत पैसा कमा रहा है, ईस्टर्न साइड से सामान आ रहा है उसके पास, वो पूरे शहर का सबसे बड़ा माल बेचने वाला है, उसके जितने भी कस्टमर है बहुत खुश है उससे, मैं बता नहीं पाया उन्हें। मेरा काम पूरा हुआ, क्या मैं जा सकता हूँ यहाँ से? हाँ ठीक है, निकल जाए यहाँ से। तो दोस्तों मिशन पास हुआ, एक और वीडियो साथ है, जरूर देखो उसको भी। तुम्हारा लाइसेंस लगता है रद्द करना होगा मुझे। क्या? मेरे दोस्त बाहर में फूकना ना क्राइम है बहुत बड़ा, तो मेरी बात समझ ले। अरे यार मैं समझ आग ना कर, मेरी ये कमाई है, प्लीज मत कर। मेलरी मोटे को बता दी उसका कजन बिल्कुल ठीक है। ठीक है ठीक है, मिलता हूँ। सुंदर सी लड़की, हाँ उससे बस तो दूर रही हो। हाँ मैं रहूँगा, मेरी बात सुन, उस दिन तूने बिजनेस बहुत बढ़िया किया था, अब एक और बंदा वो मेरे पैसे नहीं दे रहा, उससे पैसे लेने हैं। कौन? वो बंदा रहता है मैनसेल स्ट्रीट की तरफ, और वो बनता अपने आप में, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा समझता है, समझता है पूरे शहर का सबसे बड़ा मालिक है वो। ठीक है, तो उस अनाड़ी को जाकर सबक सिखा, उसको समझा कि मेरे से पंगा लेगा तो शहर में दंगा हो जाएगा यहाँ पर। हे यहाँ पर बैठ कर धूमर पान ना कर, जैसे पूछा किसी ने, भाग जाए। ठीक है यार, चल चले जा, जो काम करना कर मजे से कर, अगर तेरे को पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो मेरे को भूल जाइयो फिर। मैं किसी को भी देख लूंगा लेकिन तेरे को नहीं जानता। हो हो। हेलो, दोबारा आ गया? हाँ उस काम को करना मैं, हाँ जल्दी जल्दी हो जाए, बढ़िया। तो फिर भाई लोगों जाना है मुझे लॉन्ड्री मैन की तरफ जाना है, कपड़े धो रहा होगा कोई बंदा, उसके पास जाना जल्दी से मुझे। तो एक गाड़ी चुराता हूँ दोस्तों इस मिशन को पास करने के लिए, मुझे जल्दी जाना होगा येलो कलर के मार्क की तरफ। ये रेड कलर की गाड़ी ले ली मैंने, अरे बाप रे कितनी मस्त रिफ्लेक्शन है गाड़ी की, मज़ा ही आ गया दोस्तों, एकदम मस्त मिशन है, व्लैत का मिशन है, जल्दी से पास करना होगा। इस सामने वाले नुक्कड़ की तरफ जाना होगा लगता है मुझे। व्लैत की तरफ से मुझे तुम्हें एक मैसेज देना है। शेट, यहाँ से भग जा तू। तो दोस्तों जल्दी से शॉपकीपर को पकड़ना होगा, मुझे इसको पकड़ना होगा, ये भाग रहा है यार गाड़ी के अंदर, मुझे एक गाड़ी चुरानी होगी। रुको आसपास देखता, कोई देख तो नहीं रहा, ये लात मारी तोड़ी और ये इसके अंदर बैठ चुका दोस्तों। उस शॉपकीपर का पीछा करना है मुझे, उसकी वैन की तरफ जाना है। तो उसकी वैन को फॉलो करते हुए मैं बैक गियर डालता हूँ और दोबारा फिर से बैक गियर डालता हूँ और उसको पकड़ता हूँ जल्दी से जाकर, अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं उसको पकड़ने की। रेड कलर के मार्क की तरफ वो जा रहा है दोस्तों, उस शॉपकीपर को पकड़ के ही मेरा मिशन पास होगा दोस्तों। यहाँ से मैंने गाड़ी मोड़ी और ये बड़ी मुश्किल से मैं गाड़ी भगा रहा हूँ दोस्तों, मुझे पता मैं कैसे भगा रहा हूँ, और बहुत ही ज़्यादा औसम गाड़ी लग रही है।
अरे बाप रे, इतनी दूर जा रहा है यार ये तो, इसको पकड़ना मुश्किल हो रहा है दोस्तों, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। अरे पीछे हट जाओ यार, मेरे को बेवजह में ठोक रहे हैं ये। रुको, जाना पड़ेगा दोस्तों मुझे रेड कलर के मार्क की तरफ, उसको फॉलो करना होगा। ब्लैथ का मिशन है, जल्दी से करना होगा। ब्लैथ से हमने बहुत पैसा लिया, उसको चुकाने के लिए उसके मिशन करने हो रहे हैं दोस्तों। रुको मैं दोबारा पीछा करता हूँ उसका, ये मैंने लेफ्ट लिया, अब मैं उसका पीछा करता हूँ दोस्तों, उसको पकड़ता हूँ। शाम का टाइम हो चुका है दोस्तों और ऑसम टाइम लग रहा है एकदम। जाते हैं जल्दी से दोस्तों, पकड़ते हैं उसको। अरे भैया मैं अकेला छोड़ दो यार प्लीज। अपनी वैन को साइड में रोक। सिथ, मुझे गुस्सा चढ़ने लग गया अब। अरे यार मेरे को अकेला छोड़ दो। अपनी गाड़ी को रोक जल्दी से। अरे ठीक है, तुमने तो मुझे पकड़ लिया ना। तूने व्लैत के पैसे क्यों नहीं दिए जो तूने उससे लिए थे पहले? अरे मैं पैसा जरूर दूंगा यार, मेरी मंदी चल रही है अभी, व्लैत को बिल्कुल भी सब्र नहीं है। तेरे को जल्दी से जल्दी व्लैत के पैसे देने होंगे, नहीं तो तेरी पत्नी आके वॉशिंग मशीन में तेरे खून के लगे हुए कपड़े धोएगी, ठीक है? तू मेरी बात समझ गया क्या? एक और फेवर नहीं दूंगा तुझे बाद में, एक लास्ट चांस। अरे मैं समझ गया, ठीक है। मुझे लगता था ये कंट्री डिफरेंट है। अरे शुक्र है ये मेरी गाड़ी नहीं है। मैंने इस वॉशिंग मशीन वाले को सबक सिखा दिया, अब उसको मैसेज मिल गया और तुम्हारे पैसे दे देगा। अरे यार मुझे तेरा स्टाइल पसंद है छोरे, तेरे जैसे बढ़िया काम करने वाले बंदे पता नहीं क्यों नहीं मिलते शहर में। अब तू आ चुका है ना, दोबारा मेरे को मिलियो मेरी दुकान पर आकर। तो दोस्तों मिशन पास हुआ, सब्सक्राइब करो नए भाई लोगों।